लोगों ने बोला कि टाइगर का साउंड आएगा, प्लीज डलना मत। मैंने कई वीडियो देखे लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ऐसा फील होगा यहाँ आके। वाओ यार अमेजिंग है, लिटरली रेंगना पड़ रहा है इसमें सर बचा के। इस बोल्डर का हाइट मेरे से देखो साला, मेरे छाती तक आ रहा है। तो मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। तो साला पूरी जगह भरी हुई है पार्किंग से। सो अभी हम जा रहे हैं केव गार्डन विजिट करने के लिए, और पार्किंग यार बहुत बहुत दूर मिली है और वॉक करके जाना पड़ रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन टायर्ड है ना, थके हुए हैं तो इतना चलना भी बहुत हो जाता है। ये रहा केव गार्डन। केव गार्डन का जो टिकट है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो टिकट हमने खरीद लिया है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है केव गार्डन। थक गए यार। सबसे पहले हम विजिट करने जा रहे हैं टाइगर केव, और वहाँ पर जो टिकट काटने वाले थे उन्होंने बोला कि टाइगर का साउंड आएगा, प्लीज डलना मत। आई थिंक साउंड इफेक्ट डाला हुआ है यहाँ पर। विल सी, आई एम सो एक्साइटेड। गॉड, टाइगर केव इस रास्ते से, और ये रास्ता है टाइगर केव जाने का, और यहाँ पर आपको टाइगर का घुर्राने का साउंड सुनाई देगा, जैसे ऊपर कहीं टाइगर खड़ा हुआ है का साउंड बहुत रियल है, बहुत डरावना है। तुम अपना टॉर्च जलाओ, यहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं। वैसे इतना तो नहीं है यार, आराम से जा सकते हैं अभी तक तो। ये एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड एक्सपीरियंस है। मतलब ये देखो, ये दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा अंधेरा है बट क्या खतरनाक केव। और इस केव गार्डन में 6 केव हैं अलग अलग, और वो आपस में इंटरकनेक्ट है। मतलब आप एक केव से निकलोगे, आई थिंक टाइगर केव से निकलोगे, मतलब एंटर करोगे टाइगर केव से, तो आप पैंथर केव से निकलने वाले, और सारी कनेक्टेड है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। I'm so excited. मजा आ रहा है यार, बढ़िया लग रही है यार ये जगह। मैंने कई वीडियो देखे लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ऐसा फील होगा यहाँ आके। वाओ यार अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है एकदम सही में किसी जंगल के बीच गुफा में फंस गए हैं। सही बात है यार। चलो किधर से जाना है रास्ता? ये रहा, ऊपर चढ़ना है यहाँ से ऊपर, ऐसे जाके ऊपर। हाँ चलो। सो बेसिकली यहाँ पर 6 केव हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। सो एक केव मतलब ओसिट टाइगर केव से आप एंटर करोगे तो पैंथर केव में निकलोगे। ओ लेकिन हम तो पैंथर केव में निकल गए, ये रही पैंथर केव। आराम से धीरे धीरे सर बचा के। नीचे थोड़ा झुकना पड़ेगा। देखो कैसे जाता हूँ कूद। मुझे ना रणवीर सिंह वाला वो एपिसोड था ना, वो याद आ रहा जिसमें उसको स्नैक्स मिले थे, बहुत स्नैक मिले थे इतने सारे, वही वाला याद आ रहा है। ऐसे आना ठीक है? हाँ ठीक है। एकदम बियर ग्रिल से सीखो, चश्मे वाला। मुझे पानी दिख रहा है क्या वहाँ पर? यहाँ पे बहुत सकरा रास्ता है, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। आइए। Thank you.
पूरा आना तिरछा शबा। नहीं कुछ नहीं, क्या मैं देख रही हूँ आगे रास्ता कहाँ से। मिनटों जिंदगी मैं देख रही हूँ आगे आने पड़ेगा। मैं देख रही हूँ रास्ता कहाँ से है यहाँ पर। उप्स आओ पकड़ू क्या नहीं पकड़ता। हाँ इसमें तो लेट लेट के जाऊंगा आराम से। ये दोनों करने के बाद सही में लोगों की आदत जाती होगी। क्या इतना मुसीबत करके गई है बियर ग्रिल से सीखो। एक ना पानी पानी चाहिए था, पानी लेके आना चाहिए था। So, आगे और भी सकरा रास्ता है। ये मैं जाऊंगा। I don't know, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक। ये देखो ये जा रहा पूरा, ये पूरा सकरा रास्ता है। लेट्स गो गाइस, यही तो एडवेंचर, यही तो एडवेंचर चाहिए लाइफ में। सर बचा तेरे बाबा। होली शिट, कैसा रास्ता है। वैसे तो यहाँ पर लाइट जल रही है हर जगह, तो इतना अंधेरा नहीं है। मेरे को कैमरा दो। अंधेरा नहीं है। कैमरा यहाँ लो। ऐसे निकल के आऊंगी। मुझे बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है, मुझे बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है। आजादी मिलने वाली है। ये देखो ये रहा। ओह माय गॉड, हमारी दो नई हवा टाइट हो गई। ऐसे ऐसे गुफाओं में रहते हैं शेर आई थिंक। बट YouTube पे जितने वीडियो देखे हैं ना, जितने भी व्लॉगर की वीडियो देखे, सबने पैंथर केव कवर करी है, टाइगर केव कवर करी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि और भी केव है, देख लेते हैं वो भी, क्योंकि वो मैंने नहीं देखी है। लेट्स गो देखते हैं। केव का जो रास्ता है ना सी, बहुत बहुत सुंदर है देखो। अरे यहाँ तो नहीं है, है क्या यहाँ पर? वो रहा पॉर्क्यूपाइन केव। ओ उसमें तुम जा। इसका क्या मतलब होता है? बताऊंगा। नाम प्रनाउंस कैसे करते हैं? पॉर्क्यूपाइन केव। लेट्स गो। अच्छा ये साउंड है कुछ। टाइगर से बहुत लंबी है। लंबी है ये वैसी होगी। पता नहीं, अभी हम जा रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। यही कोई प्राणी होता है ना ये, जिसकी आवाज आ रही है। एनिमल। ओ झाऊ चूहा हिंदी में। ये तो मना बोल रहा था, लेकिन मैंने बोला चल ना यार हो जाएगा हैं, फिर क्या है। आ रही हूँ, रिंग रिंग के आना पड़ रहा है। सी फॉर्मेशन देखो। यहाँ पर थोड़ा लाइट कम है, मतलब ठीक है। ओ ओ लेकिन इतनी खूबसूरत भी लग रही है। ओ अंधेरा गुप हो गया, पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कैसे रेंग रेंग के जा रहा है। That's why इसका नाम है वो क्या नाम बताया, क्योंकि इसमें रेंगना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। लिटरली रेंगना पड़ रहा है इसमें। सर बचा के निकल गए। वैसे ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें रेंगना पड़ रहा है ना, वो थोड़ा
टफ भी है बट एक्साइटिंग भी है और मजा भी आ रहा है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ चल रहा है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है बेट्स केव। लेट्स गो, देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलें बेट केव। इसमें मैं फंस गया ना, तुम निकालोगे मेरे नहीं, को नहीं नहीं, वो ऐसे देखने से लग रहा है और बहुत बड़ी केव नहीं है। लेट्स गो, चल लेट्स गो। सो मच। 300 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद गुफा में रहेंगे। चलो लेट्स गो। अरे जितनी टाइगर और पैंथर केव है ना, वो थोड़ी सही है, उसमें हमको रेंगना नहीं पड़ेगा। बाकी ये वाली जो लास्ट दो केव देखी ना, उसमें तो आपको रेंगना ही पड़ेगा। और कोई रीजन, और कोई उपाय नहीं इसको पार करने का। लिटरली मैं रेंग रही हूँ, पता है, लिटरली लिटरली रेंग रही हूँ। अब इसके बाद का स्नेक केव होगा, उसमें के लेटा लेटा के ले जाएंगे। मजा नहीं। चलो लोग, दिस प्लेस आई डोंट लाइक। लेट्स गो लेट्स गो। आई थिंक एनिमल बिहेवियर के नाम पर केव का नाम रखा होगा। आई थिंक इंसान तो बेट को, बेट्स को कितना बड़ी केव चाहिए होती है, वो तो कहीं भी लटक जाते हैं। चलो यार रुको मत। सकता हूँ। चलो चलो चलो, मैंने बोला था ना एक बार आओगे तो हो जाएगा। ये कुछ केव है, मस्त। लेट्स गो लेट्स गो। ये आगे वाला रास्ता कुछ ऐसा है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। अरे भगवान, कोई बड़ा जानवर वाला केव, वो हाथी का केव नहीं है। हाथी का केव। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर गाइस, बी केयरफुल। फाइनली बैट केव डन। ये चार केव हो गई हमारी ना। अभी है फ्लाइंग केव। ये क्या मतलब होता है? तुम्हारे पास फोन है? नहीं। अपना फोन है? हाँ। तो टॉर्च जलाना, तो उधर चलो ना, उधर जाना। हाँ जाना तो उधर आई नहीं। तो हमारी नेक्स्ट जो केव है वो है फ्लाइंग फॉक्स, और ये ऐसे एग्जिट है। लेट्स गो गाइस, फ्लाइंग फॉक्स केव, और ये हमारी पांचवी केव होने वाली है। लेट्स गो, कंप्लीट करते हैं पूरी 6 की 6 केव। अरे ये तो बहुत छोटी है यार। सी, ये तो बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। उप्स, अरे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी लेवल तो है ही थोड़ा सा। हाँ बड़े, अब बस सही बात बताऊँ तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है इसमें। सो हैप्पी। पहले मैंने सोचा था एप्स के भाई, देखा मैंने बोला था ऐसी बहुत छोटी है, खत्म भी हो गई। अब क्या आया? एप्स केव। एप्स केव, ये हमारी लास्ट केव है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये केव गार्डन। ये है क्या? हाँ ये है। ओ एप्स केव, घंटा कोई एप्स जाता होगा यहाँ से। अरे बंदर इसको टच मत करना, मैं चल रहा हूँ आगे, ये वाला मेरा बंदर। ओके ओके लेट्स गो। सिर बचा के। ओ ये तो खत्म हो गई ऊपर जाके, बस ये हो गया ये वाला खत्म हो गई। ऊपर से मुझे उजाला दिख। चलो हाँ, चोट लग जाएगी, बहुत ऊपर है। रिस्क मत लो, चोट लग जाएगी, कुछ नहीं है, खामा खा कुछ लग पिट गया पूरा। आज पहला दिन में ही घर वापस जाना पड़ेगा। अब मेरी लास्ट केव है, मेरा पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा ना, मुझे ये केव कंप्लीट करनी। इस बोल्डर का हाइट मेरे से देखो, साला मेरे छाती तक आ रहा है। तो मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। अच्छा ठीक है, लो करो, हटो।
बस चोट मत लगवा लेना, एक नहीं है दो है, आगे भी एक और है। पता है मुझे। ये लेट्स गो सिट हियर। ला आएगा तू भी? आजा मेरा हाथ देती हूँ, आजा मेरे को रिस्क नहीं लेना था। ला मुझे दे दे, इजी है। अरे आना यार, हाथ दे रही है, रहा देख यहाँ पैर रख। अरे मेरा उतना टाइट जींस पे नहीं चढ़ रहा। हो जाएगा, मेरी बात मान, मेरी बात मान। चोट लगी? नहीं लगी। ला हाथ दे, बैग बैग भी मुझे दे दे। अब देखते हैं, बड़ा वो बन रहा था ना, अब बन, अब करो। अरे नहीं। अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा। जूता बहुत तगड़ा से रख रहा है। देख एक पैर यहाँ रख, एक पैर यहाँ रख, हाँ एक पैर यहाँ रख, और अपनी बॉडी को पीछे दबा फोर्स से। यस यस यस, गुड गुड, ये डन हो गया ना, क्या बोला था मैंने? चल वहां कैसे चढ़ेंगे? वहां इजी है, वहां पर सीढ़ी बनी हुई है। चलो चल, बना रखा है ना, चला रखा है ना। आ डन, ये लो ये। लेट्स गो, देखो खत्म हो गई, बस दो पैच था। फाइनली हमने हमारी छेव केव कंप्लीट कर ली, कैसा लग रहा? टूट गया, फूट गया। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा गाइस। लोग डर के मारे नहीं आते, लेकिन मैं बताऊं, ये स्लिप कर रहा है शूज, मेरा ग्रिप नहीं बन रहा ना। ससुर जाते जाते भी चढ़वाएगा। देखा इजीली चढ़ गया ना, लेट्स गो। चलो तो ये यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता है। बस एप्स केव में ना दो बड़े उसको क्या बोलेंगे, पत्थर है, जिसमें आपको मतलब हाइट से काफ़ी ऊंचे तो आपको चढ़ना पड़ेगा। और ये यहाँ पर एप्स की आवाज़ इन्होंने डाली हुई है, साउंड सिस्टम। डन, केव गार्डन कंप्लीट। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आया ना? अरे बहुत थका दिया। पहले हमने सोचा था, मतलब इसने मुझे बोला कि सिर्फ पैंथर केव करेंगे और टाइगर केव करेंगे, लेकिन फिर मैंने इसको फोर्स करा करा के ना छेों की छेों केव करवा ली और हमने 6 केव कंप्लीट कर दी। आज दिन तक किसी ने ऐसा किया होगा क्या? सबसे डिफिकल्ट बैक केव। हाँ और एप केव। एप केव, एप केव में तो इतना रिस्की है कि वो किसी को आराम से तोड़ फोड़ सकता है। नहीं लेकिन अगर आप शूज उतार दोगे ना तो बैर फुट में आप आराम से मतलब चढ़ सकते हो, क्योंकि वो जो दो पत्थर है ना वो बहुत हाइट पे हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं एग्जिट कहाँ से है, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं अभी। ऊपर वैसे फोटोग्राफी पॉइंट है। चले क्या ऊपर है? सो यहाँ पर नैनीताल का पूरा मैप है, ये नैनी लेक है। अभी हम कहाँ पर हैं? अभी वो रही इको पार्क। कहाँ पर है? ऊपर इको पार्क। यू आर हियर, ये रहा। अभी हम यहाँ पर है इको पार्क में, और यहाँ पर ना ज़िपलाइन और बच्चों के लिए झूले वूले भी प्रोवाइड कराए गए, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। वैसे केव का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मस्त था, वो तो आप ज़रूर ज़रूर करें, और अगर हो सके तो छेों की छेों केव कवर करें, मज़ा आ जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, केव गार्डन विजिट कर लिया, आप जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, एंड मैं बहुत 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 एक्साइटिंग, मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे। अब जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी के पास, जो कि थोड़ी दूर पे पार्क है, क्योंकि यहाँ पार्किंग की थोड़ा प्रॉब्लम है यार, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है। और वैसे मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, वरना बहुत गर्मी लग रही थी, पर अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो नैनीताल एंटर करने पर हम अपने 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं, मनसा देवी टेम्पल कवर कर लिया है, खुरपाताल व्यू पॉइंट कवर कर लिया है, और केव गार्डन भी हमने कवर कर लिया है। वैसे खुरपाताल और मनसा देवी टेम्पल इतने बड़े बड़े मतलब पॉइंट नहीं थे, वो तो रास्ते में ही थे तो इजीली हो गए, लेकिन केव गार्डन थोड़ा बड़ा था। तो 3 हमारे पॉइंट कवर हो गए, और अभी टाइम हो रहा है 2:34। सो आई थिंक नॉट बैड,
काफ़ी कम टाइम में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली आज।